हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, क्रांति क्या है, क्रांति की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्रांति का अर्थ, और इसमें हम लिखेंगे क्रांति एक सामाजिक या राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया है जो विभिन्न समूहों या समाजों में होती है। इसमें लोग नए आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं और अधिकारों, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर सकते हैं। फिर इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी क्रांति की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग सामाजिक असमंजस। तो इसमें हम लिखेंगे क्रांति का असली पहलू सामाजिक असमंजस या समृद्धि में होती है, जिसमें लोग समृद्धि की दिशा में बदलाव करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आंदोलन और संघर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे क्रांति के समय आमतौर पर आंदोलन, प्रदर्शन और संघर्ष बढ़ जाते हैं जो नए आदर्शों की प्राप्ति के लिए होते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मांग और प्रेरणा। तो इसमें हम लिखेंगे क्रांति की प्रेरणा मुख्यतः असमानता, अन्याय और सामाजिक सुधार की दिशा में होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सामाजिक अधिकार और समरसता। इसमें हम लिखेंगे क्रांति के समय लोग सामाजिक और राजनीतिक अधिकार की मांग करते हैं और समरसता की दिशा में बदलाव चाहते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी जनसंख्या के साथ संघर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे क्रांति सामाजिक संगठन और जनसंख्या के साथ संघर्ष को साथ लेकर होती है, जिससे आम जनता को समर्थन मिलता है। तो दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।